بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على حبيبي محمد وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم

अल्लाह सुबहान व ताल बेहद करम बेहद फजल बेहद शिक्र जिन्होंने मौका और तफ़ी कता फरमाई ज़िंदगी की बेशुमार नमतेंता फरमी अल्लाह सुबहान के फजल करम से बात बनी हुई है मालिक सब की बात बनाए रखें बसमिल्लरबीब महमदिन बसमिल्लर जो भी रहमान रहीम पढ़ता रहेगा याद रखे दीन दुनिया आखिरत की कामयाबी उसे जरूर मिलेगी एडमिशन उसी को मिलता है जो कोशिश करता है नौकरी उसी को मिलती है जो जाकर कोशिश करता है तो आप जब अल्लाह आलमीन ला के रहमत के रास्ते पर चलेंगे तो कोशिश तो आपको करना पड़ेगी एडमिशन लेने के लिए मेहनत तो करना पड़ती है तो रहीम पढ़ते जाए रब की रहमत के रास्ते पर चलते जाए कामयाबी दीन दुनिया आखरत की आपके कदम चूमेगी। कामयाबी किसी के पास है रब के पास हर दख दुख दर्द की दवा हर मर्ज की शिफा अल्लाह के पास वो जब चाहे तो शिफा मिलती है दुआ भी असर करती है और दुआ भी असर करती है वो जब ना चाहे तो जितना मर्जी जोर लगा ले कुछ भी नहीं होता शिफा और हर दुख की दुआ वो सब मालिक के हाथ में है वो जिसे चाहता है अता करता है जिसे नहीं चाहता तो सारी दुनिया की ताकतें मिलकर भी उसे वो नहीं दे सकते जो रब ताला उसे देना ही नहीं चाहते तो अल्लाह रबुल से उम्मीद रखनी चाहिए बिस्मिल्लाहमान रहीम पढ़ते रहें, तो मालिक अपने क्रम फजल रहमत के दरवाजे आपके लिए खोलते रहेंगे दुनिया में भी कमयाबी आखरत में भी कमयाबी कब्र में भी कमयाबी मिलेगी बकरा की आयत नंबर सौ दो आज उन लोगों के लिए सबक है इसमें जो जादू तबीज और ऐसी बलाऊ में बढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तबाउ मातलु शयातीन अला मुल्क सुलेमान वमा कफर सुलेमान वलाकिन शयातीन कफरु युअल्लिमून नास सिख वमा उन्जिला अलल मलकेनी ببابيل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بي بين المرء وزوجي وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخرة من خلاق ولبئس माशरऊ भी आऊकान या <स्थाँगा> और ये सलमान के अहद हकूमत में इस जादू के पीछे पड़ गए जो शयातीन पड़ा करते थे और सलमान सलासलम ने कुफर ना किया बल्कि शैतान काफ़र हुए जो लोगों को जादू सिखाते थे और ये तो उस जादू के पीछे भी पड़ गए थे जो बाबल शहर में दो फरिश्तों हारूत और मारूत पर उतारा गया था और वो दोनों किसी को कुछ न सिखाते जब तक ये न कह लेते कि हम तो सिर्फ लोगों का इम्तिहान हैं उनकी आजमाइश के लिए आए हैं ऐ लोगो तुम अपना ईमान जया ना करो वो लोग इन फरिश्तों से ऐसा जादू सीखते जिसके ज़रिए मर्द और उसकी बीवी में जुदाई डाल देते शोर और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई डाल देते जो आज भी लोग करते हैं हालांकि वो इसके ज़रिए किसी को अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते थे और ये ऐसी चीज़ सीखते थे जो इन्हें नुकसान दे और इन्हें नफा ना दे और यकीनन इन्हें मालूम है कि जिसने सौदा लिया है आखरत में इसका कुछ हिस्सा नहीं है और उन्होंने अपने जानों का कितना बुरा सौदा किया है क्या ही अच्छा होता अगर ये जानते इस आया मुबारक में हजरत सलमान सलाम के जमाने में बनी इसराइल जादू सीखने में मशगूल हुए तो आप सलात वसलाम ने इनको इससे रोका और इनकी किताबें जिनसे वो जादू सीखते थे लेकर अपनी कुर्सी के नीचे दफन कर दी जब हजरत सलमान सलात वसलाम का विशाल हुआ आप इस दुनिया से जहरी दुखसत हुए तो शयाती ने वो किताबें निकाल कर लोगों से कहा सल्तनत तो करते थे, थे हालांकि तो का काम ही इंसान को गुमराह करना है अपने साथ मिलाना है बनी इसराइल के नेक लोगों और ने तो इसका इनकार किया लेकिन इनके जाहिल लोग

दुश्मनों के इल्ज़ाम दूर करना अल्लाह ताला की सुन्नत है जैसा कि लोगों ने हजरत सलमान वसलाम पर जादू घरी की तोहमत लगाई तो अल्लाह ताला ने इस आया मुबारक में इस तहमत को दूर फरमाया और ये भी मालूम हुआ कि जादू करना कभी कुफर भी होता है जब इसमें कुफरिया इस्तेमाल हों तो इंसान ईमान से भी दो बैठता है। हारूत और बारूद दो फरिश्ते थे जिन्हें बनी इसराइल की आजमाइश के लिए अल्लाह ताला ने भेजा था। और इनके बारे में जितने भी गलत किस्से बहुत ज्यादा मशहूर हैं, वो सब के सब बातल हैं, क्योंकि फरिश्ते जो हैं, वो अल्लाह तला के मासूम मखलूक हैं। वो वही करते हैं जो इन्हें रब का हुक्म होता है इमाम अहमद रजा खान रही फरमाते हैं कि हारूत और मारूत के बारे में जो कलाम फरमाया उसका खुलासा ये है कि हारूत और मारूत का वाकया जिस तरह आवाम में मशहूर है आमा कराम इसका शदीद और सख्त इनकार करते हैं अगर इमाम काजी एयाज रतलह ने फरमाया कि हारूत और मारूद के बारे में ये खबरें यहूदियों की किताबों और इनकी घड़ी हुई बातों में से हारूद मारूद हैं हारूत और मारूत दो फरिश्ते हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने मख़लूक की आजमाइश के लिए मुक्र फरमाया कि जो जादू सीखना चाहे उसे नसीहत करें हम तो आजमायशी के लिए मुकर हुए हैं तुम कुफर न करो और जो इनकी बात ना माने वो अपने पाऊँ पे चल के खुद जहन्नम में जाए ये फरिश्ते अगर उसे जादू सिखाते हैं तो वो फरबदारी का रहे ना कि ना करें का रहे क्योंकि ये अल्लाह रबूल मीन का हुक्म था कि पहले इन लोगों को इससे बचाओ बत, और बताओ कि ये नुकसानदेह चीज है मगर रब ताला तो उन लोगों की आजमाइश ले रहा था कि वो फर्मदारी के रस्ते पर चलेंगे या नाफरमानी के रस्ते पर चलेंगे नेकी के रस्ते पर चलेंगे या बदी के रस्ते पर चलेंगे तो अल्लाह ताला के जो फरिश्ते हैं वो तो गुनाहों से मासूम हैं अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते वही करते हैं जो उन्हें हुक्म दिया जाता है और फरिश्ते गरूर नहीं करते वो अपने ऊपर अपने रब का खौफ करते हैं और वही करते हैं जो इन्हें अपने रब का हुक्म होता है इमाम फखरुद्दीन राजी रहम फरमाते हैं कि इस अय मुबारक से साबित होता है कि फरिश्ते तमाम गुनाहों से मासूम हैं। अल्लाह ताला का ये फरमाना कि वो गुरूर नहीं करते इस बात की दलील है के फरिश्ते अपने पैदा करने वाले और बनाने वाले के इत गुजारे और वह किसी बात और किसी काम में भी अल्लाह तला की मखालफत नहीं करते हारूत और मारूत के पास जो शख्स जादू सीखने आता तो ये सिखाने से पहले उसे नसीहत करते हुए फरमाते कि जादू सीख कर इस पर अमल करके इसको जैज और हलाल समझ कर अपना ईमान जया ना करो अगर वो इनकी बात ना मानता तो ये उसे जादू सिखा देते। कर फरमाते हैं कि जादू की कई तारीफे इनमें से एक ये है कि किसी शरीर और बदकार शख्स का मखसूस अमल के जरिए आम आदत के खिलाफ कोई काम करना जादू कहलाता है जादू फरबदार और नाफरमान लोगों के दरमियान इम्तियाज करने यानी फर्क करने का जरिया है और लोगों की आजमाइश के लिए नाजल हुआ जो इसको सीख कर इस पर अमल करे काफर हो जाए बशर्ते कि उस जादू में ईमान के खिलाफ कलीमात हों और अगर कुफ्रिया कलिमात व फाल ना हों तो कुफर का हुक्म नहीं है जो जादू कुफर है इसका अमल अगर मर्द हो तो उसे कतल कर दिया जाए और जो जादू कुफर नहीं मगर उससे जाने हला की जाती है तो इसका अमल डाकू के हुक्म में है मर्द हो या औरत इनकी सजा भी कत्ल है अगर जादूगर तोबा करे तो उसकी तोबा कबूल हो जाती है हदीसी मुबारक में जादू की बहुत ज्यादा मजम्मत बयान की गई अजरत उस्मान भी नबी आसरदी अल्लाह ताल फरमाते हैं कि मैंने हजूर सल्लम को फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला के नबी दाऊद अजरत दऊदलात वसलाम रात की एक घड़ी अपने घर वालों को बेदार करते और शाद फरमाते एले दाऊद उठो और नमाज पढ़ो क्योंकि इस घड़ी अल्लाह ताला जादूगर और ना टैक्स लेने वाले के अलावा हर एक की दुआ कबूल फरमाता है अदरत अब मुसाश्र रदी अल्लाह तु से रवायत है कि अल्लाह के महबूब सल अल्लाह ने फरमाया शराब का आदि जादू पर यकीन रखने वाला और कतारहमी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा और इस बात को खास करके जेन नशीन कर लें कि जादूगर के बारे में जो सजाएं बयान की गई ये सजाएं देना सिर्फ इस्लामी हकूमत का काम है वक्त के हुक्मरानों का काम है अवामोन्नास को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं हर एक को चाहिए कि जादू करने वालों से दूर रहे कि ये इंसान के ईमान को भी बर्बाद कर देते हैं और इस बात को भी जेन नशीन कर लें कि वह असर हकीकी अल्लाह ताला की जात है और इसबाब की तसीर अल्लाह ताला की मशीयत यानी चाहने के तहत है अल्लाह ताला चाहे तो ही कोई शय असर कर सकती है अगर अल्लाह ताला ना चाहे तो आग जला न सकेगी पानी प्यास न बुझा सकेगा और दुआ शिफा न दे सके इसी तरह जादू में असर है अगर अगरचे इसमें कुफरिया कल में हूं जब जादू में नुकसान की तासीर है कि वो नुकसान पहुंचा सकता है तो कुरान पाक की आयात मुबारक में भी शिफा की तसीर है जब कुफार जादू से नुकसान पहुँचा सकते हैं, तो खुदा के बंदे भी करामत के जरिए नफ़ा पहुँचा सकते हैं रब ताला के कलाम से नफ़ा पहुँचा सकते हैं जब जादू अपना असर दिखा सकता है तो रब का जो कलाम है वो भी अपना असर दिखा सकता है रबुलमीन की बारगाह में दुआ है कि मालिक हम सबको को जादूगरों के जादू से नहसतों से शरीरों की शर शरारतों से तावीज गंडों से सब कोई महफूज फरमाए जो लोग इसमें मुब्तला है मालिक अपनी रहमत के सद के उन्हें शिफा और अता फरमाए बीमारों को शिफात आ फरमाएं परेशान खालों की परेशानी अपनी रकमत के के दूर फरमाए तंग दस्तों की तंग दस्तियां दूर फरमाएं बे ऊलादों को औलाद नीना औलाद सोलियत आ फरमाए जो सब ओलाद मालिक उन सब के उलादों को राय हदायत नसीब फरमाए मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाएं उम्मत मुसलमान की खैर फरमाए कश्मीर फलसतीन हिंदुस्तान फरमा जहाँ कहीं दुनिया में मुसलमान जुल्म-सितम में डूबे हैं मालिक अपनी रहमत के सदके जुल्म से सेजाद और आजादी की डे बताफर अपना अपने जाने वालों को और अपने आस पास रहने वालों का खास ख्याल रखिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्ला वरक